हेलो दोस्तों, मैं हूं एक जियो फाइबर इंजीनियर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जियो फाइबर इंजीनियर, जियो फाइबर एसोसिएट और होम सेल्स ऑफिसर यानी कि HSO का जॉब कैसे ले सकते हैं, कितनी सैलरी होती है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इन तीनों जॉब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। उससे पहले जान लेते हैं कि जियो फाइबर है क्या। जियो फाइबर का मतलब होता है जियो का वाईफाई, और ये वाईफाई भारत के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक ज़िला में अवेलेबल है। तो इस जॉब की खासियत ये हो जाती है कि अगर आपको ये जॉब करना है तो इसके लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस शहर में हैं वहाँ भी ये जॉब कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारे जॉब का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या काम करना है, कितनी सैलरी बताऊँगा। उससे पहले हम कॉमन चीज़ जान लेते हैं कि सारे तीन जो जॉब है, इंजीनियर का, एसोसिएट का और सेल्समैन का, इन तीनों जॉब में कॉमन चीज़ क्या है। तो सबसे पहला कॉमन चीज़ है कि तीनों जॉब के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा कॉमन चीज़ है कि ये तीनों का तीनों जॉब क्या बोलते हैं कि फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। और तीसरा कॉमन चीज़ ये हो जाता है इंटरव्यू। तीनों जॉब में इंटरव्यू कुछ नहीं होता, इंटरव्यू के नाम पर जस्ट पूछताछ होता है। जब ऑफिस में आप जाएंगे तो बस आपका नाम क्या है, एजुकेशन कितना है, कहाँ से पढ़ाई की, बस नॉर्मल से इसे इंटरव्यू नहीं कहते, इसे पूछताछ कहते हैं। तो मतलब इंटरव्यू एकदम इजी है। अगर आप लाइफ में किसी भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं किया है, लेकिन ये इंटरव्यू आप 110% क्रैक कर लेंगे। इंटरव्यू बिल्कुल इजी है। अब मैं आप लोगों को तीनों जॉब लेने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको जिस एरिया में जियो का जॉब चाहिए, उस एरिया में जियो का आपको ऑफिस ढूंढना है कि ऑफ़िस किधर है। अगर आप ऑफिस नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या कीजिएगा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा कि किस तरह से जियो फाइबर बुक करते हैं। उसी तरह से आपको एक फेक जियो फाइबर बुक करना है। जब फेक जियो फाइबर बुक करेंगे आप, तो आपको एक सेल्समैन कॉल करेगा। जब वो कॉल करेगा तो उनको बता दीजिए, देखिए भाई मुझे जियो फाइबर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दरअसल मुझे जियो का ऑफिस जानना था, इसीलिए मैं बुक किया था, मुझे जॉब करना है। तो वो आपको ज़रूर हेल्प कर देगा, फिर वो आपको ऑफिस का एड्रेस बता देगा। तो आप ऑफिस का एड्रेस ढूंढ लिए। ऑफिस का एड्रेस ढूंढने के बाद आपको रिज्यूम लेकर के ऑफिस चले जाना है। ऑफिस में रिज्यूम के अलावा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ये सब कैरी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद ऑफिस जब चले गए तो उधर आपको जियो का टी शर्ट पहना हुआ कोई बंदा मिल जाएगा। उसको कहना कि भाई इधर कोई मैनेजर है तो मेरा उससे बात करा दो, मैं इंजीनियर एसोसिएट या सेल्समैन के जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, जो भी आपका प्रीफेयर है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपका किसी भी मैनेजर से बात करा देगा। जिस मैनेजर से भी आपका बात करवा दिया ना, अगर किसी भी मैनेजर से आपका बात करवा दिया तो समझिए आपका काम बन गया। फिर उसके बाद उस मैनेजर से आपको बात करना है कि सर ये मेरा रिज्यूम है, मैं इस पोस्ट के लिए आया हूँ। तो आपका इंटरव्यू नॉर्मल सा पूछताछ करेगा, वो आपका रिज्यूम रख लेगा और क्या बोलते हैं कि वो प्रोसेस आगे का बता देगा कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो ये रहा ज्वाइनिंग का प्रोसेस। अब मैं वन बाय वन करके सारे जॉब को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएट का। तो एसोसिएट के जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th होना चाहिए। इसमें काम क्या है, इंजीनियर के साथ रहना है, जो वाईफाई राउटर टूल किट वगैरह सारे मटेरियल्स होते हैं उसको हैंडल करना, इंजीनियर के बाइक पे पूरे दिन रहना है जब तक इंजीनियर का ड्यूटी रहेगा, और मटेरियल्स को हैंडल करना है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 9,500 इन हैंड सैलरी है, 1,700 रुपया ट्रेवलिंग का, तो 11,200 रुपया, और क्या बोलते हैं कि PF का जो होता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके लगभग 2,000, तो यानी कि 13,000 रुपया, तो टोटल 13,000 रुपया इनको सैलरी मिल जाता है एसोसिएट का। बात करते हैं इंजीनियर का। तो इंजीनियर के जॉब के लिए आपके पास एक बाइक होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12 होना चाहिए, और काम की बात करें तो आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आप इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट में है तो पूरे दिन आपको 4 इंस्टॉलेशन करना होगा। अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट में है तो पूरे दिन आपको 8 सर्विस करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर इंजीनियर का काम देखा जाए तो 6 से 7 घंटे का काम होता है, फील्ड वर्क है। और इंजीनियर के सैलरी की बात की जाए तो 14,000 रुपया सैलरी है, 3,000 पेट्रोल का, 17,000, और क्या बोलते हैं कि 2,500 रुपया एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके 2,500 रुपया PF आ जाता है, तो कितना हो गया 19,000 सारे, यानी 20,000 अप्रोक्स इनको सैलरी मिलता है इंजीनियर को। और अगर बात करें इंसेंटिव की तो इंजीनियर में काफ़ी अच्छा इंसेंटिव है। अगर आप सेल करते हैं तो एक राउटर सेल पे जो प्लान सेल करते हैं तो उस पे क्या है कि मिनिमम 250 रुपया आपको इंसेंटिव मिल जाता है, मैक्सिमम 1,200-1,300 रुपया इंसेंटिव मिल जाता है। यानी जितना महंगा आप प्लान सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव मिलता है। तो पर सेल 300-400 रुपया इंसेंटिव मिल जाता है। अगर आप महीने में 15 भी सेल करेंगे तो 300 रुपये के हिसाब से 4,500 रुपया, तो 25,000 तक इजिली आप इसमें महीना कमा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही लड़के हमारे ऑफिस के अंदर हैं जो क्या बोलते हैं 10,000-12,000 रुपया इंसेंटिव उठा लेते हैं, तो वो 20,000 तो आपका सैलरी है, उसके ऊपर आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको कमाइए। तो ये इंजीनियर का कहानी हो गया। अब सेल्समैन की बात करते हो तो सेल्समैन का जो सैलरी है
वो 22,000 रुपया है, 3,000 रुपया उसका पेट्रोल का, तो 25,000 रुपया इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर मिला करके उसका क्या बोलते हैं कि लगभग 3,000-28,000 रुपया ऐसे हो गया। और इनसे और सेल्समैन का सैलरी काफ़ी ज़्यादा, इंजीनियर से भी ज़्यादा उनका क्या बोल, सॉरी सैलरी नहीं इंसेंटिव होता है। एक सेल्समैन महीने का 8,000-10,000 रुपये इंसेंटिव ईजिली अर्न कर लेते हैं। तो एक सेल्समैन का सैलरी ऑन एन एवरेज महीने का 32,000-35,000 रुपया होता है। तो ये रहा तीनों जॉब का फुल डिटेल। हाँ, सेल्समैन का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 12 था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम आप लोगों को बताऊंगा जिससे केवल 5 मिनट में आप मोबाइल से बिल्कुल प्रोफेशनल रिज्यूम बना लेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।